भारत जोड़ो यात्रा पहुंची नई दिल्ली। भारत जोड़ो यात्रा का आज 108वां दिन। आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा आज नई दिल्ली पहुंच चुकी है। आज 3000 किलोमीटर का सफर पूरा कर लिया है भारत जोड़ो यात्रा ने। बदरपुर सीमा पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। लाखों लोगों का राहुल गांधी ने किया शुक्रिया। यात्रा आज से 9 दिनों के लिए स्थगित कर दी गई है। जनवरी से फिर शुरू होगी यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा पहुंची नई दिल्ली। भारत जोड़ो यात्रा का आज 108वां दिन। आज 3000 किलोमीटर का सफर पूरा कर लिया है भारत जोड़ो यात्रा ने। और इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विभांशु, आज नई दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा ने एंट्री कर ली है। जी नंदनी, आपको बताएं कि भारत जोड़ो यात्रा आज अपना 3000 किलोमीटर का पदयात्रा का सफर पूरा कर चुका है। आपको बताएं कि कई राज्यों को घूमने के बाद, बात की जाए तो 107 दिनों से ये यात्रा चल रही है। राहुल गांधी की अगुवाई में बात की जाए तो ये यात्रा चल रही है। इससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस एक बार फिर कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में नजर आते हुए दिख रही है। वहीं में नंदनी, अगर बात की जाए तो इस यात्रा के अंदर में राहुल गांधी तमाम लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं, चाहे वो बात की जाए तो किसी तबका को हो, चाहे वो बुनकर हो, किसान हो, जवान हो, नौजवान हो, हर एक वर्ग के लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं पे बात करते हैं। राहुल गांधी साफ तौर से केंद्र सरकार पे निशाना साधते हुए हर जगह नजर आते हैं और कहते हैं कि देश के अंदर में नफरत बढ़ गई है और इस नफरत के बाजार में मैं मोहब्बत बांटने आया हूं, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। आपको बताएं कि आज का जो आज भारत जोड़ो यात्रा सुबह दिल्ली पहुंची, दिल्ली पहुंचने पर बात की जाए तो सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर आकर कड़ाके की ठंड के बीच राहुल गांधी का स्वागत करते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं देखा जाए नंदनी तो राहुल गांधी की जो छवि है वो भारत जोड़ो यात्रा के बाद कहीं ना कहीं और बेहतर होते हुए नजर आई है। वहीं आपने देखा कि कल राहुल गांधी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी सरकार ने हजारों करोड़ रुपए मेरी छवि खराब करने के लिए और मेरी पार्टी की छवि खराब करने के लिए खर्च किए हैं। महज उसे हम 106 दिनों में, कल कहा था उन्होंने कि 106 दिनों में हम इसे खत्म कर दिए, वो हजारों करोड़ रुपए का निस्तानाबूद कर दिए। वहीं आपको बता दें कि 23 किलोमीटर की यात्रा दिल्ली के अंदर में है। अगर बात की जाए तो दिल्ली की बात की जाए तो बदरपुर बॉर्डर से शुरुआत हो रही है, वहाँ से अपोलो हॉस्पिटल यात्रा पहुँची, उसके बाद आश्रम पहुँची। आश्रम में अगर फिलहाल की बात की जाए तो अभी लंच खत्म हुआ है, भारत जोड़ो यात्रा के जो यात्री हैं उनका लंच हुआ है, उसके ठीक बाद निजामुद्दीन के लिए अब वो निकल चुके हैं। निजामुद्दीन से वो इंडिया गेट जाएंगे, वहाँ से ITO जाएंगे, दिल्ली गेट जाएंगे, रेड फोर्ट जाएंगे और साथ ही साथ दरियागंज जाएंगे। तो इन सब जगहों पर जाकर अगर बात की जाए तो लाल किले पर जाकर इस यात्रा का दिल्ली के अंदर में समापन होगा। उसके ठीक बाद 9 दिनों के लिए जो आसपास में छुट्टियां पड़ रही हैं, नया साल है, क्रिसमस है, इन सब को देखते हुए यात्रा को 9 दिनों के लिए रोका गया है। 3 जनवरी से फिर से यात्रा शुरू होगी और उत्तर प्रदेश से इस यात्रा की शुरुआत होगी। आपको बताएं कि लगभग 3500 किलोमीटर की यात्रा तय की गई है। इसका पहला, अगर बात की तो 3000 किलोमीटर हो चुके हैं, 500 किलोमीटर बाकी है। और भारत जोड़ो यात्रा के सफल होने पर राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है कि हम इसे क्षेत्रीय यात्रा भी निकालेंगे, जिसे क्षेत्र को भी जोड़ने का काम करेंगे। और कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है, तमाम बात की जाए तो देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडिया कल राहुल गांधी को एक पत्र के माध्यम से उन्हें इस बात को कहते हुए नजर आए कि आप भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करें, क्योंकि कहीं ना कहीं देश के अंदर में कोरोना का जो काल है वो खतरा मंडराते हुए नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आज इस यात्रा का 9 दिन के लिए ब्रेक लग रहा है, अब आने वाले समयों में इस यात्रा का क्या रूप रेखा रहता है। जी,
जैसे जिस तरीके से आपने विभांशु बताया कि जिस तरीके से मनसुख मांडविया ने उनको प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए बोला, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस पर हमला करती हुई ये बोलती है कि अरे बीजेपी सरकार नहीं चाहती है कि भारत जोड़ो यात्रा हो। जी बिल्कुल नंदनी, आपको बताए तो बीते दिनों कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश मुख्यालय पर अगर देखें तो सलमान खुर्शीद वरिष्ठ नेता के तौर पर वहां मौजूद थे और वो पूरी रूपरेखा बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में कैसे यात्रा घुसेगी और कैसे हम इसे सफल बनाएंगे। उस दौरान उन्होंने कहा कि जिन्हें कोरोना से डरना था वो कांग्रेस से डर गई और उन्होंने साफ तौर से प्रधानमंत्री मोदी पर इशारा करते हुए कहा कि ये बस एक थिएटर के आर्टिस्ट हैं और वही ये करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस भी अब हमलावर होते हुए नजर आ रही है और वहीं अगर देखा जाए तो राहुल गांधी भी अपने बयानों में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 8 सालों से मैं चुप था मगर मेरी 106 दिनों की यात्रा, कल इन्होंने कहा था अपने एक भाषण में कि 106 दिनों में हमने सभी जो 8 सालों के जवाब था उसको दे दिया है और वो उन्होंने कहा कि जो भी परेशान है, जहाँ भी नफरत फैली है वहाँ मोहब्बत बांटने का काम कांग्रेस करती है और करते आएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि 9 दिनों के लिए यात्रा स्थगित की जा रही है, 9 दिनों के बाद 3 जनवरी को फिर से भारत जोड़ो यात्रा की शुभारंभ होगी। अब देखने वाली बात ये होगी उत्तर प्रदेश में यात्रा कितनी सफल होती है। जी देखा जाए विभांशु, तो भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने विपक्ष को भी न्योता दिया है, तो क्या लगता है कौन से बड़े दिग्गज नेता शामिल हो सकते हैं इसमें? जी बिल्कुल, आपको बताया कि 2 दिन पहले कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद से प्राइम टीवी की टीम ने सवाल किया था कि कौन से बड़े नेता, और उनकी तरफ से कहा गया था अभिनेता और तमाम स्पोर्ट्स पर्सन एथलीट इसमें सम्मिलित हो गए। इस जवाब पर उन्होंने कहा कि ये भारत जोड़ो जो यात्रा की मैनेजमेंट टीम है उसके हाथों में ये जिम्मेदारी है और वो ये चीज़ों को बताएगी। और कहा जा रहा है कि जो भी कांग्रेस के नेता है, जैसे आपने देखा कि ऐसे कई सारे फिल्म जगत के लोग भी भारत जोड़ो यात्रा में सम्मिलित हुए, साथ ही बात की जाए तो रघुराम राजन भी सम्मिलित हुए, साथ ही ऐसे कई सारे आजाद पत्रकार भी वहां पहुंचे, और बात की जाए तो फिल्म जगत से गायकों में आपने देखा कि सुनिधि चौहान पहुंची हुई थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि अभी कांग्रेस की तरफ से इसको डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि कौन चर्चित चेहरे इसमें सम्मिलित होंगे, मगर आने वाले समय में ये साफ हो जाएगा। और वहीं अगर बात की जाए तो इसमें राहुल गांधी की तरफ से अन्य जो राजनीतिक दल हैं उत्तर प्रदेश के, उनको भी न्योता दिया गया है कि ये यात्रा कांग्रेस की यात्रा नहीं, ये यात्रा भारत की यात्रा है, आप सभी जुड़े। अब देखने वाली बात ये होगी कि विपक्ष से, यानी कि जो समाजवादी पार्टी है, RLD है, सुबसपा है, चाहे बात की जाए ऐसे तमाम दल हैं, उन दलों में से कौन कौन से नेता इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं। जैसा कि आपने महाराष्ट्र में देखा कि शिवसेना प्रमुख के पुत्र आदित्य ठाकरे इस यात्रा में सम्मिलित हुए, शरद पवार के पुत्री सुप्रिया इसमें सम्मिलित हुई। अब देखने वाली बात ये होगी कि उत्तर प्रदेश के विपक्ष के कौन कौन से नेता भारत जोड़ो यात्रा में सम्मिलित होते हैं। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली दौरा, पीएम मोदी से मिलेंगे सीएम योगी। मोदी से मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक के बाद सीएम के साथ सीएम भी पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा, पीएम मोदी से मिलेंगे सीएम योगी। पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक के पास सीएम भी पहुंचे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़े हैं। विभांशु, आज सीएम योगी पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे दिल्ली में। जी बिल्कुल, आपको नंदनी बता दें कि सूबे के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक की मुलाकात के बाद अब सूबे के मुख्यमंत्री यानी कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हुए हैं। आपको बताया कि 11:30 बजे इन दोनों नेताओं के बीच मुलाकात जारी है। अब माना ये जा रहा है कि अभी साफ नहीं हो पाया है, मगर अंदाजे की अगर बात करें
तो जहां तक ब्रजेश पाठक के दौरे में बात की जाए तो उसमें उत्तर प्रदेश के 2024 चुनाव साथ ही साथ निकाय चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करने और भाजपा को कैसे हम बेहतर मार्जिन से जिताएं इसको लेकर चर्चा की गई थी, वही योगी आदित्यनाथ के साथ की जाएगी। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर में निकाय चुनाव है, साथ ही साथ हाल फिलहाल में अगर देखें तो 3 जगह बाय इलेक्शन हुए यानी कि उपचुनाव हुए। इन उपचुनाव में कहीं ना कहीं रामपुर में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत हासिल हुई, मगर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार और साथ करारी हार मिली। वहीं अगर बात की जाए तो खतौली में आरएलडी और सपा के प्रत्याशी ने भी भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा, मगर उसी सब चीज़ों को लेकर कि माहौल न बिगड़े साथ ही साथ जो जनता का विश्वास है उसमें कमी ना आए अब आगे की रणनीति बनाई जा रही है। साथ ही 2024 को लेकर सभी दल अभी से अपने सभी पैतरे अपना रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, मीटिंग्स के दौर शुरू हो चुके हैं। उसी क्रम में अब भारतीय जनता पार्टी भी 2024 के चुनाव को लेकर अपनी नई टीम बनाने को लेकर अभी से तैयार हो गई है। वहीं अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में रिक्त 6 पदों पर रिक्त MLC के जो 6 पद हैं उस पर भी चुनाव होने हैं, तो उनके नामों के चयन का भी प्रधानमंत्री विचार विमर्श कर सकते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आज की बैठक के बाद मुख्यमंत्री अपने जो मीडिया बाइट्स होता है उसमें क्या देते हैं, मगर माना ये जा रहा है कि MLC की 6 सीटें साथ ही साथ निकाय चुनाव को कैसे हम मजबूती के साथ लड़े और कैसे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये चुनाव ले जाए इस पर चर्चा की जाएगी। वहीं अगर बात की जाए तो हाल फिलहाल में जो उपचुनाव हुए हैं जिससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो संगठन में जो कमियां रही हैं उस कमियों को दुरुस्त करने पे बात की जाएगी। अब बात की जाए तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की मुलाकात लगभग 11:30 बजे से हो रही है और महज कुछ ही समय में सब सामने होगा। जी जी, क्या लगता है इसके बाद चुनावी मंथन के बाद क्या लगता है कुछ और भी बड़े अहम विषयों पर चर्चा हो सकती है? जी बिल्कुल नंदनी, अगर बात की जाए तो संगठन को लेकर भी बात होगी, कैसे निकाय चुनाव में हम बेहतर प्रदर्शन करें इस पर बात होगी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में 6 MLC सीटों पर रिक्त हैं उस पर भी उम्मीदवारों की घोषणा की जा सकती है जल्द ही, तो इस पर भी चर्चा होगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन सब MLC चुनाव में कहीं ना कहीं समीकरण के तहत चुनाव लड़ती है, तो किस समीकरण को अगर बनाए जिसे उसे जो निकाय चुनाव है साथ ही साथ 2024 का चुनाव है उसमें लाभ मिले। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जब निकाय चुनाव के जो प्रत्याशी हैं उनके घोषणा की जाती है तो क्या उसमें कौन लोग होते हैं, उससे कितना फायदा मिलता है, निकाय चुनाव और 24 के चुनाव के बाद साफ होगा। वहीं अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को से कहीं ना कहीं कायल रहते हैं, तो इसको लेकर भी योगी आदित्यनाथ से वो विचार विमर्श करेंगे। साथ ही साथ तमाम जो अगर देखें तो कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री अपने बीच संवाद साधेंगे कि कैसे अगर कोरोना बढ़ता है तो हम कैसे उत्तर प्रदेश के उसको रोकथाम करेंगे। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। नगर निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई जारी है। नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच में सुनवाई जारी है, याचिकाकर्ता के वकील लिख रहे हैं अपना पक्ष। नगर निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई जारी। यूपी नगर निकाय को लेकर याचिकाकर्ता के वकील रख रहे हैं अपना पक्ष। नगर निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई जारी। याचिकाकर्ता के वकील पक्ष रख रहे हैं अपना पक्ष। नगर निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, यूपी नगर निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई जारी है। याचिकाकर्ता के वकील पक्ष अपना पक्ष रख रहे हैं, आपको बता दें
नगर निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई जारी। याचिकाकर्ता के वकील रख रहे हैं अपना पक्ष। यूपी नगर निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई जारी है। याचिकाकर्ता के वकील रख रहे हैं अपना पक्ष। यूपी नगर निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई जारी है। नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। याचिकाकर्ता के वकील रख रहे हैं अपना पक्ष। ओबीसी आरक्षण को लेकर इलाहाबाद के हाईकोर्ट बेंच पर लखनऊ बेंच पर सुनवाई चल रही है। नगर निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई जारी है। याचिकाकर्ता के वकील रख रहे हैं अपना पक्ष। यूपी नगर निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई जारी है। ओबीसी आरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में सुनवाई चल रही है। याचिकाकर्ता के वकील रख रहे हैं अपना पक्ष। और इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रितेश हमारे साथ जुड़ेंगे। रितेश, ओबीसी आरक्षण को लेकर सुनवाई चल रही है अभी नगर निकाय चुनाव को लेकर। जी लगातार जिस तरीके से ये चल रहा था, जितनी भी ये नगर निकाय चुनाव को लेकर के जो अधिसूचना जारी हुई थी उसको हाईकोर्ट रोक लगा दिया था। उसमें मामला ये बताया जा रहा था कि ओबीसी आरक्षण को लेकर के लगातार सुनवाई हो रही थी। अभी जो मामला सामने आ रहा है, आज कोर्ट रूम में छुट्टी होने के बावजूद भी कोर्ट ने साफ कह दिया था कि सुनवाई की जाएगी और सुनवाई लगातार चल रही कोर्ट रूम में। हाईकोर्ट की उच्च न्यायालय जो पीठ है वो लखनऊ के बेंच में इसकी सुनवाई चल रही लगातार। वहां पर जो वकील है दोनों पक्ष के, वो अपनी दलीलें रख रहे हैं, वो अपने सबूत को पेश कर रहे हैं। हालांकि सरकार ये अपनी तरफ से कह रही है, सरकार के जो वकील है वो अपनी तरफ से कह रहे हैं कि 2017 में जो आरक्षण की नीति लागू की गई थी उसी आरक्षण की नीति को आधार मान करके जो है हम फैसला सुनाया जाए, लेकिन उससे कोर्ट कहीं ना कहीं अपनी असहमति जताया था, वो पुख्ता सबूत नहीं थे, जिसको लेकर के ये लगातार सुनवाई चल रही है। आज भी इस चीज को लेकर के सुनवाई चल रही है। अब ये मामला देखने वाला होगा, अभी कुछ ही देर में इसका निष्कर्ष निकलेगा। जो हाई कोर्ट की बेंच बैठी हुई है लखनऊ में वो क्या सुनवाई इस पर होती है। हालांकि जो कयास लगाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं आज इस पर निर्णय आना संभव है। रितेश, देखा जाए डेडिकेटेड कमीशन की मांग की जा रही, तो क्या लग रहा है आज फैसला आ जाएगा? बिल्कुल, ये कोर्ट भी लगातार कह रहा है कि लोकतंत्र का मामला है और अभी जो जनवरी में ही अभी सारे कार्यकाल भी समाप्त हो जा रहे हैं सभी नगर निकायों के और नगर परिषदीय के, तो कहीं ना कहीं इसको ज्यादा देर तक लंबा नहीं खींचा जाना चाहिए क्योंकि जनता का मामला है, इसमें कई लोगों की समस्याओं उत्पन्न हो रही थी, जिसको लेकर के कोर्ट भी साफ कर चुका है कि अब इसको ज्यादा लंबा ना खींच करके इसलिए छुट्टियां भी रद्द करके और लगातार कोर्ट सुनवाई कर रहा है, तो कहीं ना कहीं फैसला आने की पूरी उम्मीद जताई जा रही। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका रितेश। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।